नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल आपका। मैं हूं कायनत अंसारी। स्कूल में दिए जाने वाले मिड डे मील में गड़बड़ियों की शिकायतें अब दूर होने वाली हैं, क्योंकि अब छात्रों को पोषण युक्त और स्वच्छ भोजन की गारंटी जो मिलने वाली है। हरियाणा सरकार ने ये मनोहर पहल की है ताकि छात्रों को दिया जाने वाला मिड डे मील पूरी तरह से सुरक्षित और पोषण युक्त हो। मध्यान्ह भोजन योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली योजना है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में केंद्र सरकार ने की थी। उस वक्त 2000 से अधिक ब्लॉक स्कूलों में इसे लागू किया गया था। धीरे धीरे योजना का विस्तार हुआ और साल 2004 में देश भर के सरकारी स्कूलों में योजना शुरू कर दी गई। अब ये योजना देश के सभी प्राइमरी और सरकारी स्कूलों में लागू हो चुकी है। योजना का उद्देश्य था प्राथमिक की शिक्षा के प्रचार प्रसार और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना, साथ ही बच्चों को कुपोषण से बचाना और उनके बेहतर विकास की ओर कदम बढ़ाना। लेकिन योजना के बढ़ते दायरे के साथ इसे लेकर किसी न किसी स्तर पर लापरवाही भी सामने आना शुरू हो गई। भ्रष्टाचार का तड़का भी इस योजना में लगा। देश के कई राज्यों से मिड डे मील की ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिन्हें देखकर शरीर में सिहरन पैदा हुई। कभी खाने में कीड़े मिलने की खबरें सामने आई, तो कभी दाल में छिपकली और मेंढक तैरते नजर आए, तो कभी खाने की गुणवत्ता निम्न स्तरीय होने की खबरें भी देखने को मिली। लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार ने मिड डे के निवाले पर लगने वाले इस ग्रहण को दूर करने की बड़ी पहल की है। मिड डे मील के बजट में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी करने के बाद अब सरकार ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत राज्य के विद्यालयों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्यान्ह भोजन को हर महीने प्रयोगशाला परीक्षण से गुजरना होगा और खाने की गुणवत्ता खराब मिलने पर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महीने में एक बार विद्यालय प्रभारी या फिर मिड डे मील इंचार्ज भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई प्रयोगशाला में भोजन परीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को लेकर कितनी मनोहर है सरकार की पहल और कैसे होगी ये सफल, सवाल आपका में आज करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं सवालों पर नजर। तो महीने में एक बार भोजन परीक्षण से क्या होगा गुणवत्ता में सुधार? महीने में एक बार भोजन सुधार से ही क्या बन जाएगा काम? जो बीमार योजना है क्या वो स्वस्थ हो पाएगी? परीक्षण ही गड़बड़ियों का हल, मनोहर पहल कितनी होगी सफल? छात्रों के मानसिक शारीरिक विकास का सवाल, सख्ती से बदलेगा योजना का हाल? महीने में एक बार भोजन परीक्षण से क्या होगा गुणवत्ता में सुधार? तो ये जो गड़बड़ियां सामने आ रही थी मध्यान्ह भोजन में, इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और पोषण की जांच करने के लिए परीक्षण का रास्ता सरकार ने अपनाया है। ये रास्ता कितना कारगर साबित होने वाला है, आज यही सबसे बड़ा सवाल है। तो मिड डे मील योजना में आने वाली गड़बड़ियों और इसे दूर करने के सरकार के इस प्रयास पर आपकी क्या राय है? कोई सुझाव, कोई सवाल हो तो आप हमारे साथ इस मंच पर साझा कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, नंबर आपको हम दिखा रहे हैं। नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात या आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ने वाले एक्सपर्ट और जिम्मेदार। तो आज हम योजना मिड डे मील योजना को लेकर बात कर रहे हैं। वही मिड डे मील योजना जिसका उद्देश्य था कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा हो, ये सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही जो गरीब तबके के बच्चे हैं उन्हें भी पोषण युक्त आहार दिया जा सके और कुपोषण से उनको बचाया जा सके, उनके शारीरिक विकास के साथ उनका मानसिक विकास भी हो सके। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो है योजना में गड़बड़ियां भी सामने आने लगी। कभी निम्न स्तरीय भोजन बच्चों को परोसा गया, तो कभी यहाँ पर कीड़े मकोड़े जो है बच्चों के भोजन में दिखाई दिए। कई बार विषैला भोजन करने से बच्चों की तबीयत भी बिगड़ी, अस्पताल तक में बच्चे एडमिट करवाए गए, जिसके बाद योजना को लेकर उनके अभिभावकों में संशय की स्थिति भी पैदा हो गई कि बच्चे जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं स्कूल में, क्या वो भोजन उनके स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं है। अब इसी शंका को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रमन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और
पूर्व राज्य औषधि नियंत्रक नरेंद्र आहूजा विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सत्यव्रत शास्त्री जी से सवाल करना चाहूंगी और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। शास्त्री जी, क्या लगता है जो योजना अभी तक जो है भ्रष्टाचार के चलते और कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते कुपोषण का शिकार हो गई थी, अब मनोहर सरकार की इस पहल के इस कदम के बाद क्या उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा? निश्चित रूप से। देखिए कैनाथ जी, ये जिस समय ये योजनाएं शुरू की, आनन फानन में योजनाएं तो शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय प्रॉपर में कोई रसोई की व्यवस्था, बनाने वालों की व्यवस्था, बनाने के बर्तनों की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं उस समय लागू नहीं थी। और जैसे तैसे स्कूल का प्रबंधन उनको अपने जो उपलब्ध साधन थे उनसे कैसे करता था, उसके आधार पर ही इन सब चीजों में लापरवाही कहें, भ्रष्टाचार कहें कि उन सबको एडजस्ट करना था कर, और कहीं कहीं निश्चित रूप से लापरवाह लोगों की भी इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सरकार की ओर इसका ध्यान दिया गया, इसमें दूध की व्यवस्था की गई, बर्तनों की बनाने के बर्तनों की व्यवस्था की, खाने के बर्तनों की व्यवस्था की गई, कई जगह रसोई तक की व्यवस्था को अलग से व्यवस्थित किया, और फिर जो मिड डे मील कार्यकर्ता थे उनके जो मेहनताना था उसके अंदर बढ़ोतरी की हो, तो ये कई चीजें पिछले समय से इन चीजों की सुधार के कारण से अब मुझे लगता है स्कूलों में व्यवस्थाएं भी, और स्कूल जो संचालक हैं कहें या जो प्रशासन स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, मुख्याध्यापक प्रिंसिपल, उनके अंदर भी थोड़ा सा ये अब ये भाव जागा है कि पहले तो लोग यही कहते थे कि इसकी आवश्यकता क्या है हरियाणा जैसे स्थानों में, लेकिन बहुत बारीकी से चर्चा और देखने से पता चला कि अब गांवों में भी ऐसे पोषक तत्वों का अभाव हो गया, क्योंकि पहले तो अड़ोस पड़ोस में भी दूध छाछ मिल जाता था, अब गांवों में भी उसकी व्यवस्था कम हो गई है, तो वो व्यवसायिक हो गया, वो सारा देते हैं, गांवों में तो छाछ तक भी नहीं छोड़ते लोग, शहरों में ले जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था में अब उनको पोषक तत्व मिले, ये भारत की भविष्य है, भारत का आगे वाला आने वाला समय है, उनके प्रति इस प्रकार की व्यवस्था करना ये सरकार का दायित्व है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय में ध्यान दिया। यानी आप मानते हैं कि मौजूदा सरकार जो है बीजेपी जो है वो इस योजना के लिए लगातार जो है सुधारात्मक कदम उठा रही है, हालांकि इससे पहले की जो सरकारें रही पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, योजना शुरू करके छोड़ दी गई, उसकी मॉनिटरिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते योजना का ये हाल हुआ। देखिए करण जी, पिछले दिनों दूध की व्यवस्था भी इसी सरकार ने की कि हर विद्यार्थी को एक मात्रा के अनुसार उसको दूध मिलेगा, और बेटा को इसकी जिम्मेवारी देगी कि वो उसको शुद्ध सात्विक दूध उसको मिले, उसी सुधार की दृष्टि से ये अगला कदम भी है। और मुझे लगता है कि आप जिस प्रकार के संसाधन सरकार के पास हैं, जिस प्रकार की आवश्यकता आज के वर्तमान समय में विद्यार्थियों के लिए है, उन सब पर सोचने विचार विमर्श करने वाली सरकार है, और उसी के निमित्त इस पर ध्यान दिया गया, और ये आगे चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, रमन जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस पर हम उनका पक्ष लेंगे। रमन जी आऊंगी आपके पास, लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका भी सवाल ले लेते हैं। नीरज जगाधरी से जुड़े हैं, आपके कालिया अंबाला से जुड़े हैं, स्वागत है आपका नीरज, पूछें क्या सवाल है। सबसे पहले मैडम मैं आपको आपके चैनल वालों को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता से आया कि जो नीरज वो प्रवक्ता है जी, मिड डे मील पे जो मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चलाई है, अच्छी योजना चलाई है मैडम, लेकिन मैं बीच में कार्यकर्ता जैसे और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर प्राइवेट में जो लोन की चीजें लोन जा रहा है उसको 18,000 से क्यों नहीं करते, ना सरकार साथ देती है ना वहाँ की मैनेजमेंट, और हमको कानूनी निगम की दी जाती है, ये क्यों नहीं हमारा साथ देते मैडम? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, अभी इस सवाल का हम जरूर जवाब लेंगे नीरज। हालांकि वक्त वक्त पर आप इस सवाल को उठाते रहे हैं और इस सवाल का अभी तक आपको जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है संतोषजनक। एक और दर्शक आरके कालिया अंबाला से जुड़े हैं, स्वागत है आपका कालिया जी, रखें अपना सवाल। जी आदाब, देखिए आपकी बात पर अमल का देते, सवाल सारे गलत है जवाब का देते। जब ये यूनिस्ट बतौर यूनिस्ट हमने इसका घोर विरोध किया था, हमने खुद विरोध किया था अखबार,
कालिया जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए लगता है आरके कालिया जी हमारा संपर्क आपसे टूट गया है, आपकी बात हम सुन नहीं पाए हैं। फिर से आपसे यही कहेंगे कि दोबारा से आप प्रयास करें हमारे साथ जुड़ने का। एक और दर्शक प्रेम जुड़े हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम, रखें अपनी बात जी। करता हूँ कि जगह जगह इतना प्रचार अपना न करे कि सब कुछ क्यों नहीं किया है दुनिया में। आज यूपी में अगर देखें आप, चले लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसके चलते हम आपकी बात नहीं ले पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और एक बार फिर से प्रयास करें ताकि आपकी बात और दर्शकों तक भी पहुंचे कि आप जो हैं क्या कहना चाहते हैं और जो सवाल है जनता के बीच से निकलकर उन जिम्मेदारों तक पहुंचे ताकि जवाब माकूल आपको मिल पाए। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए जी। रमन क्या कहेंगे, सत्यव्रत जी का कहना है कि लगातार जो है सरकार इस ओर सुधारात्मक कदम उठा रही है और ये जो पहल है उसके बाद जरूर सकारात्मक जो है नतीजा देखने को मिलेगा। देखिए कायनात बात सीधी और स्पष्ट है। सरकार 9 साल से इन चीजों पे ध्यान देती तो शायद आज डिबेट कुछ और होता। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हुआ, चुनाव सर पे है, आज नशे पे भी डिबेट हो रहे हैं, आज हर चीज पे डिबेट हो रहे हैं। मैं एक बात पूछना और कहना चाहता हूं, सरकार 9 साल से क्या सोच रही थी? अगर इन बच्चों के साथ सरकार की कोई सहानुभूति होती या इस पे सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी समझती कायनात, तो शायद आज डिबेट कुछ और होता। 9 साल के बाद आज चुनाव सर पे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे कटघरे से बचा रही है जहां उनको खड़ा ना होना पड़े। लेकिन निरंतर ये सब चीजें, मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं हुई रही है, लेकिन सरकार की जो आज बच्चे जो हैं उसमें लड़के हैं लड़कियां बच्चे हैं, वो कल को आने वाले समय में कोई कायनात जी की जगह होगा, कोई रमन सिंह की जगह होगा, कोई किसी फील्ड में होगा, अगर उनके साथ बचपन में इस तरह से हो रहा है और वो इसके शिकार हो रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कोई एहसान नहीं कर रही, सरकार की जिम्मेदारी है इन सबके प्रति, लेकिन ऐसा ना हो ना। और दूसरी बात, ये कब तक चलेगा कि मौजूदा सरकार दूसरी सरकारों पर ठेकरे फोड़ती रहेगी? 9 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है हरियाणा में। मान लेते हैं इस हद तक ना ये सब होता तो सरकार की कोई ना कोई तारीफ भी करता। आज डिबेट पे सिर्फ पिछली सरकारों को कोसा जाता है। 9 साल से जो सरकार सत्ता में है, 2.5 करोड़ हरियाणवी उनकी तरफ देखते हैं। और कायनात जी, अगर लोगों को असुविधा है और दिक्कत है तो इसका सिरे सिर्फ और सिर्फ सरकार को जाता है। इसमें विपक्ष में बैठने के नाते तो हम सवाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो असली जिम्मेदारी है वो तो सरकार की है ना कायनात जी? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल है और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए सरकार इस ओर लगातार प्रयास भी कर रही है, काम भी कर रही है। और मिड डे मील योजना में गड़बड़ियां मिलने की शिकायत किसी एक राज्य से तो आई नहीं है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें अलग अलग सामने आई हैं। जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ये अलग अलग राज्यों से सामने आई हुई तस्वीरें हैं जो हैरान और परेशान दोनों करने वाली हैं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से ये पहल की गई है कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय के स्तर पर अब खाने की गुणवत्ता की जांच होगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पहल सराहनीय है और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार की जो चिंता है उसको दिखाती है? देखिए कायनात जी, मैं ये नहीं कहता कि सरकार की पहल सही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये पहल करने के लिए सरकार 9 साल के बाद जागी है हरियाणा में। मेरा एक सवाल भी तो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो आप कर रहे हैं गलत है सत्यव्रत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 9 साल बाद ये लोग जागे हैं क्योंकि आज चुनाव सर पे हैं। आज तो ये सारे वादे घोषणाएं पता नहीं क्या क्या करेंगे, लगभग 9 साल से ये सब हो रहा था तो सरकार कहाँ थी? आज चुनाव सर पे तो हम सब कुछ करने जा रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ सरकार पहले करती बच्चों के लिए तो ये कदम सराहनीय भी होता, लेकिन ठीक है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आते आते आपने बहुत देर कर दी। चलो फिर भी एक छोटी सी शुरुआत इलेक्शन के डर से आप कर रहे हैं, लेकिन इससे इलेक्शन में कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए सत्यव्रत जी से जवाब ले लेते हैं जी। सत्यव्रत जी क्या कहेंगे? सीधा तौर पर रमन जी कह रहे हैं कि चुनाव सामने दिख रहा है तो इसलिए यहाँ पर सुधार की तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा हो गया है और अगर ये पहल पहले होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। ये क्या कहना जी, ये सरकारी जीव है,
कांग्रेस के लोग सरकार के बगैर रह नहीं सकते, और सरकार के आधार पर काम करने वाले और सरकार में है तो कुछ करेंगे देश समाज के लिए, सरकार में नहीं हो तो कुछ नहीं करेंगे, इस मानसिकता से इनका निर्माण हुआ है। और मुझे लगता है कि ये भी 9 साल बाद ही आज देखे हैं, मैं तो आज तक पहले इनकी सकल सूरत इनकी आवाज सुनी नहीं, तो इनको भी कांग्रेस ने चुनाव के समय ही याद किया, अच्छा है अब आए कुछ सीखेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। इनको याददाश्त के लिए मैं बताता हूँ कि दूध कब शुरू हुआ, बेटा का कितने समय से शुरू हुआ, और मिड डे मील की आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अभी आप बच्चे हो अभी नहीं, मैं उम्र के हिसाब से जरूर बच्चा हूँ और आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैं आपका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अनुभव आपसे ज्यादा ही होगा, मुझे भी चिंता ना करें, मैं आपकी जानकारी बता रहा हूँ, कब कब आए आप सारे काम को एक सब सरकार लगातार, अरे कुछ बीमारी है क्या? नहीं ठीक है सत्यव्रत जी, ठीक है, शब्दों की सीमा का, शब्दों की सीमा का ध्यान ठीक है। नहीं तू मैं बिल्कुल भी नहीं, तू मैं एक बहुत गंभीर विषय है और एक सरकार की ये सराहनीय पहल है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बात तो हो नहीं पाएगी, सिर्फ इसी आपकी व्यक्तिगत टिप्पणियों के इर्द गिर्द ही सारी चर्चा खत्म हो जाएगी, समय समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं पूर्व राज्य औषधि नियंत्रक से नरेंद्र आहूजा जी, नरेंद्र जी अभी आपने दोनों ही ठीक है चलिए जल्दी, अगर आप विषय पर बात करेंगे तो जल्दी विषय पर। हाँ मैं एक मिनट में बात पूरी कर दूंगा, मैं ये केवल भाषणबाजी के लिए नहीं कर रहा, आपकी और दर्शकों की जानकारी के लिए, मैं इस डिपार्टमेंट में 25 साल नौकरी की है, मैंने इन व्यवस्थाओं को देखा, 2014-15 के बाद मैं इस राजनीति में आया हूँ, इसलिए मुझे 15 से पहले की भी स्थिति पता है और बाद की भी पता है। और रमन सिंह जी थोड़ा धैर्य से बात करें और पिछले दृश्यों को याद करके बात करेंगे तो शायद इसका लाभ मिलेगा आपको। ठीक है नरेंद्र जी, आप कैसे देख पा रहे हैं सरकार की इस पहल को, और इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी ये जो मिड डे मील योजना है इसकी जो जांच या परीक्षण के स्तर हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, कितने स्टेजेस से गुजरकर ये खाना जो है बच्चों तक पहुंचता है, क्या आपको लगता है पहले जो जिस तरीके से खाना बच्चों तक पहुंचता था उससे पहले गुणवत्ता जांचने के लिए किसी प्रकार की कोई किसी स्तरीय जांच होती थी या नहीं होती थी, और अब जो सरकार ने कदम उठाया है इसमें आप कैसे देख रहे हैं कि योजना में कितना सुधार होगा, गड़बड़ियों की शिकायत क्या खत्म हो जाएगी इस पहल के बाद? हेलो जी बात को बहस करते हुए देख रहा हूँ बहुत धैर्य से मैंने बात को सुना है, आप पूरी प्रक्रिया को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ जी। प्रक्रिया ये है कि पहला तो सरकार के इस कदम की हम जितनी सराहना करें उतनी कम है, और किसी भी अच्छी बात की सराहना ही की जानी चाहिए, और अच्छी बात में अच्छे कदम में यदि हम कोई कमी निकालने का प्रयास करते हैं तो एक कहावत कही जाती है, शास्त्री जी शायद सहमत होंगे, कि आटा गूंधती है तो हिलती क्यों है, आटा गूंधेगी तो भाई हिलेगी भी। तो मिड डे मील जो कि बच्चों को एक शिक्षा की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना, लेकिन जो काम होता है तो काम में कभी ना कभी कोई ना कोई कमी आ ही जाती है, तो वो मिड डे मील जब इतने व्यापक स्तर पर सभी सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए निरंतर बनाया जाता तो उसमें कभी ना कभी शिकायत आती कि मिड डे मील में कभी कुछ कीड़े गिर गए या कुछ अन्य शिकायतें आने लगी, लेकिन सरकार इसकी पहले भी कोई जांच ना करवाती हो ऐसा नहीं है, और विशेष रूप से जब मैंने देखा है कि ये 2015-14-15 या यहां तक कि कोरोना के काल में भी मिड डे मील पहले विभाग यानी शिक्षा विभाग के द्वारा खुद जांच नहीं करवाई जाती थी, लेकिन इसके लिए एक अलग से अतिरिक्त विभाग को सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए थे कि आप मिड डे मील की जांच उनकी गुणवत्ता का परीक्षण करवाएंगे, और उस विभाग का नाम था खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग,
जिसके अंदर की फूड इंस्पेक्टर होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, जो कि मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच के लिए शिकायत के आधार पर नमूने भर करके राजकीय प्रयोगशालाओं में भेजते हैं और उसकी जांच होती है। ठीक है नरेंद्र जी, आप पूरी ये प्रक्रिया हमें समझा रहे हैं। मैं एक मिनट पूरा कर दूं। ठीक है चलिए आप अभी बात पूरी कीजिए। ठीक है, एक पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। अब सरकार ने मिड डे मील बनाने वालों पर ही उसकी जिम्मेवारी तय कर दी है कि यदि मिड डे मील में कोई भी खराबी आएगी तो उस स्कूल का, उस विद्यालय का प्रबंधन जिम्मेवार होगा। और जब प्रबंधन के ऊपर वो जिम्मेवारी फिक्स हो जाती है, तय हो जाती है, तो तय मान लीजिए कि गड़बड़ की आशंका बहुत कम हो जाती है, एक। और दूसरा, मिड डे मील की महीने में एक बार बताई गई एक नियामक लेबोरेटरी से, प्रयोगशाला से जांच करवा करके उसकी रिपोर्ट उन्हें प्रति महानिदेशालय को भेजनी होगी, ऐसा आवश्यक कर दिया गया। तो एक और कह दिया गया कि हमने तो मानक भी तय कर दिए हैं और उन मानकों के अनुरूप आप भोजन दे रहे हैं, पौष्टिक भोजन दे रहे हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक और प्रक्रिया इसके अंदर तय हो गई। और एक बात यहाँ और आप भूल रहे हैं कि इसमें जो पूर्व से चल रही प्रक्रिया थी, अर्थात यदि कोई लीगल सैंपल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग भी यदि करेगा तो उस पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये जो विभाग है जिसका मैं बार बार नाम ले रहा था, वह स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को आम जनता गब्बर सिंह के नाम से जानती है और उनके द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उसकी पालना करने में मैं ये भी जानता हूं कि अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पालना अवश्य रूप से होती है। तो मैं तो कहूंगा कि ये सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसकी हम सभी को रमन करें। रमन कुछ कहना चाह रहे हैं? रमन आऊंगी आपके पास में। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं, बहुत देर से जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपसे मैं आपका पक्ष लूंगी। नागेंद्र नेगी हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका नेगी जी। नमस्कार कायनाथ जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। बहुत अच्छा लगा कि मिड डे मील की जांच जो है लेबोरेटरी में होगी, और बहुत अच्छा ये बाबत इन्होंने प्रोग्राम चलाया, चुनाव बिल्कुल सिर पे है। लेकिन जो मतलब हमारे दूध में, दही में, फलों में, सब्जी में, मीट में, अंडे में, गर्म मसाले में, तेल में, और दुनिया भर का जहर, मीठा जहर जो हमें पिलाया जा रहा है, प्लास्टिक के चावल खिलाए जाते हैं, आटा अगर जाली होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? खाद्य नियंत्रण एवं कंट्रोल विभाग है आपका, खाद्य आपूर्ति विभाग है, FSSAI की जो जाली मोरे और एग मार्कर की जाली मोरे लगाते हैं, और सिर्फ होली दिवाली पे मावा के और मिठाई के आप सिर्फ एक सैंपल के लिए जो है वो चालान कर देते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? जब वो उपभोक्ता जागरूकता आप इतनी फैलाते हैं, उसके बावजूद MSC तक पास जो बिल्कुल नागेंद्र जी, हम समझ गए जो आपका सवाल है कि समस्या जो है सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, इससे कहीं ज्यादा ये बाहर और कहीं दूर तक ये फैली हुई नजर आती है। बाजार जो है वहां पर भी हम देखते हैं कि मिलावट, आपने जैसे कहा कि मिलावटी सामान धड़ल्ले से बिकता है, और उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है कि जांच की जाए और कार्रवाई हो। ठीक है, मैं आऊंगी नरेंद्र जी। रमन कुछ कहना चाह रहे थे, आऊंगी आपके पास में। नरेंद्र रमन जल्दी से अपनी बात रखें, समय मेरे पास समय समाप्त हो गया है। जी। देखिए, ये मिनिस्ट्री अनिल विज जी के अधीन है, ये मान लेते हैं और ये सत्य भी है। और अनिल विज जी की प्रशासन में कितनी पकड़ है वो जग जाहिर है। उनका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ थाने में SHO पे निकलता है, उसके सिवा तो उन सब जग जाहिर है। मेरा ये मानना है अगर इसमें कुछ समय पे हो रहा है तो उसमें समय पे हो तभी अच्छा है ना। आज है। इस समय पे हो रहा है कि इलेक्शन है, मैंने फिर वही दोहरा रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, मैं पहल की निंदा नहीं कर रहा। ठीक है रमन, आप टाइमिंग को लेके जरूर सवाल कर रहे हैं।
ठीक है, टाइमिंग को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन सुधार है और सुधार वक्त के साथ चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। आज जो हुआ है कल उससे और बेहतर भी कुछ और हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी कुछ एक अच्छा जो है एक ही दम एक ही समय पर हो जाए। नरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए, मुझे समाप्त करना है चर्चा को। जी, मैं नागेंद्र जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि कौन इन सभी खाद्य सामग्रियों के लिए जिम्मेवार होगा, तो मैं इसमें भी सरकार की एक पहल के बारे में बतला दूं कि अभी हरियाणा सरकार ने, वो तो हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल की मैं बात मैं अभी नहीं कर सकता हूं, हरियाणा की बात मैं अवश्य बतला सकता हूं कि हरियाणा सरकार ने दो चलती फिरती प्रयोगशालाएं जिनके दिन और समय और स्थान तय रहते हैं, जो हर स्थान पर जा करके लोगों से कह करके उनकी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को मौके पर जांच करके ही बतलाते हैं। आप जिस भी खाद्य पदार्थ की जांच करना चाहें आप वेबसाइट पर जाएं, प्रयोगशाला का देखें कि वो प्रयोगशाला चल प्रयोगशाला है, जो प्रयोगशाला आपके द्वार पर आकर के आपके खाद्य पदार्थों की जांच। ठीक है, तो हर एक स्तर पर गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करने वाली है, चाहे आम जन हो या फिर सरकारी योजना हो। मिड डे मील की हम बात कर रहे थे, आज उसी पर चर्चा थी कि जो भोजन बच्चों को परोसा जाता है उसकी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है वो कितना मनोहर है। आप दोनों का बहुत, आप सभी का, तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मनोहर सरकार की तरफ से जो जो कदम यहाँ पर उठाया गया है, बच्चों को जो पोषण के लिए भोजन परोसा जाता है सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, वो कितना गुणवत्तापूर्ण है, गुणवत्ता परक है, पोषण युक्त है, उसकी जांच अब जो है प्रयोगशाला में की जाएगी। और अगर गड़बड़ी पाई जाती है, जो विद्यालय प्रभारी हैं या फिर मिड डे मील इंचार्ज हैं, उनकी सीधे तौर पर जवाबदेही होगी। देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार का ये कदम जो है कितना सफल होता है, कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।